छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सचिव काम और कलम बंद कर पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस वजह से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में काम ठप पड़ गए हैं। बता दें कि परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय कर्मचारी घोषित करने की एक सूत्रीय मांग पर पंचायत सचिव 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे मनरेगा, जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अनेक निर्माण कार्य समेत शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। सचिवों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण को लेकर प्रावधान नहीं होने से प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यह हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेती। बता दें कि पंचायत सचिवों के कलम बंद कर हड़ताल पर बैठने की वजह से कई काम ठप पड़ गए हैं, जहां लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में पंचायत सचिव की हड़ताल कब तक ख़त्म होगी, इसकी बात लोग जो रहे हैं। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पंचायत सचिवों की मांग कब तक पूरी करती है, या फिर इन्हें आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल ही करना पड़ेगा। मैं श्याम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, अंबिकापुर। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल में बैठे हैं? हम लोग आज हड़ताल का 22वां दिन है और सरकार से हम लोग एक ही मांग लेकर बैठे हुए हैं कि 2 वर्ष पश्चात हमको शासकीयकरण कर दें। जो पिछले 28 वर्षों से इस मांग को लेकर हमारे कितने सीनियर साथी काल के गाल में समा गए, जिनको आज तक कुछ नहीं मिला, और हम आज जूनियर हैं, पर हमको भी आस है कि ये सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। आप लोग 4 साल बीजेपी के शासन थे, बीजेपी के शासन में आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, क्या लगता है कि ये 4-4.5 साल के शासन में कांग्रेस आपकी मांग पूरी करेगी? बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने घोषणा पत्र में भी दावा किया था कि हम आते के 10 दिन में, सरकार आने के 10 दिन में आप लोगों को सौगात देंगे शासकीयकरण का, पर आज पर्यंत 4.5 साल हो गए हैं अभी। बल्कि मैं बता दूं, विगत हमारे कार्यक्रम में बोले भी थे अपने सीएम साहब कि आप लोगों को हम समिति बना करके शासकीयकरण कर देंगे, पर उसके बाद भी वो वादा भूल गए और आज तक हमको शासकीयकरण का कोई तोहफा नहीं मिला। ग्राम पंचायत में पूरा कामकाज ठप है जी, बिल्कुल। आप लोग को क्या विचार करें? कामकाज ठप होंगे ही जब सरकार ऐसा निकम्मा काम करेगी हम लोगों को, जो हम पूरा काम कर रहे हैं उसके एवज में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं ना। हम आज रिटायर हो जाएं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई सब्जी का ठेला लगा कर चलाएगा, कोई कहीं कुछ बेच कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो जाएगा। ये स्थिति है हमारे सचिवों की आज। मेरा नाम विकास कुमारी है, मैं पंचायत सचिव हूँ। आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, किन मांग को लेकर आप लोग निश्चित करें हड़ताल? 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के बाद शासकीयकरण के लिए, और इसके लिए हम लोग कई बार हड़ताल में भी बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम लोग को आश्वासन भी दिए हैं कि आपका शासकीयकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोग का शासकीयकरण नहीं किया गया है और ना ही हमारे किसी मांगों पर ध्यान दे रहे हैं। मांग पूरा नहीं होगा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, इसमें हम लोग और आगे हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। ग्राम पंचायत में पूरे कामकाज ठप है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो इस पे आप लोग कुछ विचार करेंगे कैसे होगा काम? सर, अभी तो है कि सारे काम बंद हैं और जितने भी गांव के जो ग्रामीण हैं पूरे परेशान हो रहे हैं और उन लोगों को सारे राशन कार्ड और कई और काम है जो उनका अभी ठप पड़ा हुआ है, और उन लोग बार बार सचिव से ही कहा जा रहा है कि आप काम करिए, चालू कीजिए, लेकिन जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तब तक हम आगे कोई काम नहीं करेंगे। हड़ताल हड़ताल करते हुए कितने दिन हो चुके हैं? 22 दिन हो गया है। तो आपके उच्च अधिकारी द्वारा कुछ संज्ञान दिया जा रहा है या इसमें किसी भी प्रकार का आपके पास आश्वासन दिया जा रहा है? आपके अभी संघ के जो प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या उनकी तरफ से कुछ सरकार से वार्तालाप हुई है? किसी प्रकार का बात नहीं हुई है। मेरा नाम उपेंद्र सिंह पैकरा है, मैं प्रदेश महामंत्री पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ हूँ। हम लोगों का केवल और केवल एक सूत्रीय मांग है, वो है परीक्षा अवधि पश्चात, 2 वर्ष का परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण का। हम लोग ये मांग 28 वर्षों से मांग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में 16 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल पे हैं, और हम लोगों ने दुर्गा अष्टमी से
और हनुमान चालीसा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन पूजन भी कर रहे हैं। अगर सरकार तब भी नहीं मानती है तो हम लोग इस बार आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नरवा गरवा घुरुआ हमारा सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है हमारे हड़ताल में चले जाने के बाद पूरा चौपट हो चुका है और सरकार इसी को लेकर पूरे देश में अपना नाम कमा रही है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव विफल रहेगा इस बार। अगर मांग पूरी नहीं होती तो कब तक चलेगा यहाँ पर? ये जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम अनवरत आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे चाहे चुनाव आ जाए। ग्रामवासियों को आपके हड़ताल में बैठने से कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो फायदा 100% नुकसान हो रहा है। क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र राशन कार्ड पूरे विकास कार्यों से लेकर जो हितग्राही मूलक कार्य हैं सभी प्रभावित हो रहे हैं।